किस मौसिकार की धुन गाने की हसरत अधूरी रह गई? आई थिंक आरडी बर्मन। कौन सी ऐसी गुलुकारा है जिनके साथ आप डुएट करना चाहेंगे? यार 100% नसीब बोला। अरे बारह साल तो हो गए। यस। 12 साल में क्या खोया क्या पाया बिलाल साहब? आई थिंक जिंदगी है ही खोने और पाने का नाम है, और जो मैंने सीखा है थोड़ा बहुत, और जितना भी आप सीख रहे हैं आपको लगता है कुछ भी नहीं सीखा, मुझे लगता है कि जिंदगी में जब आप अपने जहन से ये निकाल देते हैं ना कि ना मैं यहाँ से कुछ लेके जा सकता हूँ ना मैं कुछ लेके आया था, तो आपकी स्ट्रगल खत्म हो जाती है वहां पे। इतनी फहम की बातें कर रहे हैं, मैं सालों से आपको जानता हूँ, कलियां दिक्कत दी है को माशाल्लाह एडियां अच्छियां गलत भी कर रहे हो, दो को प्रोग्राम कैंसिल देने हो। जो असल हकीकत है फनकार हो कोई भी इस शोबे से रिलेटेड जो भी बंदे, असल में जब अल्लाह की रहमत आपके साथ अटैच हो जाती है फिर आपको असल जिंदगी का पता चल जाता है। आजकल फनकार बड़े खुश नसीब हैं क्योंकि पेमेंट भी अच्छी मिलती है, नाम भी ज्यादा होता है। पुराने दौर के सिंगर ओदे घर को चोरी करना आया, फनकार से बेचारा कुछ नहीं लगा, ओदी डायरी तो ना 3 काम कट गया। सरदार साहब जो गाँव सन इन्होंने जो प्रोग्राम से जाना बारिश आ जाती थी। अच्छा। गड्डी का किराया भी पै गया, मजिशन के पैसे भी पै गए। एक दिन इन्होंने मिले चकोहाल का फंक्शन, रात इबादत करते रहे कि सुबह बारिश ना हो। सुबह निकले बस च बैठे, धुप लगी, गड्डी टुरी है तो बारिश आ गई। मूँह बार बदल न कट के कहते बदल न चकोहाल पहुंच चकोहाल। प्रोग्राम अज मेरा।